अगर आपने 10,000 करोड़ दे भी दिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? या आप अपनी संपत्ति, कार, अपना विलाया कुछ और खो देंगे? सोचिए, जब मछुआरा गहरे समंदर की ओर जाता और महीनों तक नहीं लौटता, भला उसे लौटने का कितना भी यकीन हो। अपनी कोशिश में अगर वो 30-40 हजार मछलियां पकड़ ले और उसमें से 2-4 हजार EMI में दे दे, उसमें से कुछ हिस्सा वो आपका भरेगा। इस तरह स्कूल टीचर, बस कंडक्टर, बिजनेसमैन, नौकरीशुदा किसान जो अपनी EMI दे रहा है, वो अपने लोन का सारा हिस्सा आपके बदले का भर रहा है। और कब से भर रहा है? जानता हूं कानून, कोर्ट और गवर्नमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे लोग देश का प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तय करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। पॉलिटिक्स के साथ बढ़ते बढ़ते अब आप लोग इतने ज्यादा बड़े बन गए कि पॉलिटिक्स भी पीछे छोड़ दी। आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? सर, मैं पहुंचाना चाहता हूं और ना ही आपको मारना चाहता हूं। अगर ऐसा करना होता तो मैंने आपको बैंक के बाहर कब का छोड़ दिया होता? आपको खुद को बदलना होगा और लोन वापस करना होगा। आपसे प्रेरणा लेकर और लोग भी साल में एक या दो बार अपना बकाया बैंक में भरेंगे। अब तक अपने देश से सिर्फ लिया ही है, अब वक्त है देश के लिए कुछ करने का। जानता हूं इतना सब होने के बाद भी आप सजा से बरी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप लोन वापस करके विजाग आते हैं तो वो लोग आपका दिल से स्वागत करेंगे, और अगर नहीं भरते तो स्वागत थोड़ा अलग होगा। फैसला आपका है। सर, लोगों में लोन लेते समय एक डर जरूर होना चाहिए, लेकिन उसे वापस करते समय गर्व को डाउनलोड किया है। पूरी जिंदगी आप एक ही जगह अटके रहे जहां सिर्फ डर ही डर था। वक्त आ गया गर्व महसूस करने का। आपको अच्छा महसूस होगा। आखिरकार जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट को झुकना ही पड़ा और